हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। आज से हमारी सोसाइटी में नवरात्रि के सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये छोटे बच्चे हैं प्ले स्कूल के, इनको डांडिया खिलाने के लिए यहाँ लेकर आए हैं और बाकी सारी डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, बाकी सेटअप भी चल रहा है। तो यहाँ मैंने बुलाया था मिस्त्री को बिकॉज यहाँ पर ना थोड़ा सा लीकेज हो रहा था एक दो दिन से। देखो, घर चमकता हुआ तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए ना मेहनत भी करनी पड़ती है, तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको लुकआउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थोड़ी सी लीकेज हो रही थी तो मैंने मिस्त्री को बुला लिया, सो दैट ये अभी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये सारी ग्राउटिंग कर दी है और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ड्राई होने में, उसके बाद आई होप कि लीकेज यहाँ से बंद हो जाएगी। छोटे छोटे ऐसे घर के बहुत सारे काम होते हैं जो साथ के साथ देखने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी हम अपने घर को साफ सुथरा और सुंदर रख सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे चेक रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या आज के स्कूल में भी आज डांडिया सेलिब्रेशन था? आ जाओ अंदर, आ जाओ ना, पहले चेंज कर लो, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। वाटर? हाँ। ओ पानी वगैरह तो पी लो, चेंज कर लो, पानी पी लो। चेंज? ओ दरवाजे को टच नहीं करो, आराम से आराम से। आ जाओ ना बेटा, आ जाओ। तो शाम से ही यहाँ पर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए थे, बहुत ही अमेजिंग डेकोरेशन किया है, आपके साथ भी शेयर करूंगी आगे वीडियो में, तो वीडियो जरूर देखना पूरा। सबसे पहले यहाँ पर माता रानी का कीर्तन स्टार्ट हुआ, काफी लेडीज यहाँ बैठ के कीर्तन कर रही थी। तो आज माता रानी के भोग के लिए मैंने बनाई है साबूदाने की खिचड़ी, बहुत ही टेस्टी बनी है। भूख लगाने के बाद मैंने भी यही खाया था और अभी नीचे जाके आपको सेलिब्रेशंस दिखाते हैं। दर्शन करें
उसके बाद देखें गुणगान करने के लिए हमारे लिए जगह एक और फलदार माता के प्यार की जय। यहाँ से वैष्णो देवी बोल रहे हैं, पूरी सोसाइटी इतनी चमक रही है, इतनी लाइटिंग है, इतने कलर्स हैं, मतलब इतनी ब्राइटनेस है कि मेरे कैमरे में कैप्चर नहीं कर पा रही, बट सच में इट इज़ सच एन अमेजिंग नाइट। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा ये सब, सब तरफ लाइटिंग की हुई, डेकोरेशन किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर फूड स्टॉल लगे हुए हैं, इस तरफ आइसक्रीम और पिज्ज़ा के स्टॉल से स्टार्ट हुआ है और आगे काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। क्लोथिंग सेक्शन भी है यहाँ पर, क्रॉकरी का भी सेक्शन है। सो सोसाइटी के ही लोग हैं जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं और कुछ लोगों को बाहर से बुलाया गया है, मतलब डिफरेंट वेंडर्स को। मतलब कुछ खा लो, मम्मी सच जाना, मम्मी सच जाना। काफ़ी सारे फूड स्टॉल लगे हुए हैं बट मैं कुछ खा नहीं सकती बिकॉज मेरा फास्ट है। सो क्याश पहले तो कह रहा था वो कुछ खाएगा बट लेटर उसने यहाँ से कुछ भी नहीं खाया, उसे बस टॉयज लेने थे और गेम्स खेलनी थी, सो वी केम हियर। यहाँ पर टॉयज के भी सेक्शन इन्होंने लगाए हुए हैं और काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, मतलब स्नैक्स के तो बहुत सारे आइटम्स इन्होंने रखे हुए थे, तो वही सब यहाँ पर लगा हुआ था। मैंने ट्राई किया कुछ कुछ कैप्चर करने का, आपको भी दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा यहाँ पर डेकोरेशन किया हुआ है, मतलब और माता रानी के जितने भी इन्होंने स्वरूप दिखाए हैं, इट्स टोटली अमेजिंग। मैंने कहीं भी इतना ग्रैंड नहीं देखा है सेलिब्रेशन, इट्स जस्ट लाइक ऑसम। तो क्या यहाँ पर आ गया था अपना कुछ प्ले करने के लिए, और इस तरफ भी स्टॉल्स लगे हुए हैं एंड स्टॉल्स के आगे ये टॉय स्टॉल लगा हुआ है, यहीं से कैश ने टॉयज भी लिए। और यहाँ बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए कुछ गेम्स का सेक्शन बनाया हुआ है, और इस तरफ भी कुछ गेम्स हैं जो रिंग डालने वाले गेम्स होते हैं, उस तरह के कुछ गेम्स हैं। और कैश ने यहाँ पर गन वाला गेम प्ले किया, कैश के पापा ने इसे गाइड कर दिया था, लेटर ऑन ही ट्राइड, और काफ़ी सारे बलून्स भी बर्स्ट किए कैश ने, आई कुडंट कैप्चर। लेटर इन लोगों ने कुछ और गेम्स भी प्ले किए थे, मैंने कुछ यहाँ पर प्ले नहीं किया बिकॉज मेरे सर में ऑलरेडी काफ़ी दर्द हो रहा था। फोड़ दिया प्ले सेक्शन में आने के बाद कैश इजीली जाए ये तो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे पता था यहाँ इनको टाइम लगने वाला है। सो लेटर यहाँ पर आ गए थे, कैश ने बाउंसी में प्ले करा, बच्चों का फेवरेट प्ले सेक्शन ही होता है, और कैश को यहाँ टाइम लगने वाला था, इसीलिए आई डिसाइडेड कि मैं ऊपर चली जाती हूँ और ये लोग प्ले करके फिर आ जाएंगे। तो टिल टाइम मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया कैश को, लेटर आए केम बैक। तो ये था आज का स्पेशल ब्लॉग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट सो प्लीज लाइक एंड शेयर। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।